कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे। सो गाइस आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ साक्षी से। साक्षी कैसे हो आप? ठीक ही हूँ। ठीक हो साक्षी? आपने कहाँ से देखी मेरी वीडियोस? मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पे देखी थी कि आप लोगों की कैसे मदद करती हो, तो okay. इसलिए मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था ताकि आप मेरी भी हेल्प करो। आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो बताओ पहले। आप पब्लिक देख रही है वहाँ? एक लड़का है जो मेरे को बहुत टाइम से परेशान कर रहा है। okay. वो कह रहा है कि मेरे को तेरे साथ रिलेशन में आना है, बट मैं उसके साथ रिलेशन में नहीं आ सकती क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है पहले से। ठीक है। वो लड़का मेरे को एक पार्टी में मिला था, वहाँ से उसको मेरा नंबर मिल गया। वो मेरे को रोज़ कॉल करता है, कहता है मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा तेरे पे दिल आ गया है, तू मेरे साथ रिलेशन में आ जा, नहीं आएगी तो तेरे बॉयफ्रेंड को मरवा दूंगा, ये वो करके मतलब वो बहुत ज़्यादा बोलता है। ये सब बोलता है कि मतलब बॉयफ्रेंड के साथ ये करा दूंगा वो करा दूंगा, तो उसको छोड़ दे। साक्षी आप मतलब अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, और लॉयल भी हो उसके लिए, उससे घर में भी सबको पता है, घर पे भी सबको पता है, और शादी भी होने वाली है। कितने टाइम में शादी है आप लोगों की? है एक से दो ईयर। एक से दो साल में शादी है, मतलब रोका वोका हो चुका है? रोका हो चुका है। तो यार साक्षी आपने उस लड़के का नाम क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? उसका नाम कुछ अभिषेक करके, अभिषेक कुछ करके है। ठीक है, तो मतलब आपने उसको समझाने की कोशिश की अभिषेक को कि यार मैं रिलेशनशिप में हूँ, मैं लॉयल हूँ? हाँ, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी, बट वो मेरे को धमकी देता है, कहता है मैं नेताओं के साथ उठना बैठना है, तेरे को उठवा लूंगा, तेरे बॉयफ्रेंड को मरवा दूंगा, वो ऐसे करके मेरे को बहुत परेशान करता है। ओके, मतलब वो आपको बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपने कुछ अपनी तरफ से हिंट दिया, जैसे लड़कियों ने कोई मतलब लड़कियां दिखाती है कुछ मतलब अट्रैक्शन ऐसा कुछ? नहीं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने हमेशा उसको साफ क्लियर किया है कि मैं रिलेशन में नहीं आ सकती, मेरा बॉयफ्रेंड, मैंने उसको हमेशा से क्लियर करके रखा है सब, फिर भी वो नहीं मान रहा। नहीं मान रहा, तो अभी आप मुझसे क्या हेल्प चाहते हो? मैं चाहती हूँ आप उसको यहाँ मतलब मैं बुला रही हूँ और आप उसको एक्सपोज करो। ठीक है, एक्सपोज करवाना चाहते हो ताकि पब्लिक को पता चले कि मतलब ऐसे भी कुछ लड़के हैं जो अपनी पावर का नजायज फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो मतलब गुंडा टाइप से? वो गुंडा ही है समझ लो, वो ऐसे ही बोलता है, उसकी बात बात भी सब ऐसी है। ठीक है, तो आप एक काम करो, अभिषेक का नंबर है आपके पास, अभिषेक को फोन लगाओ, वहाँ पे सामने कैमरा लगा है और वहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो स्पीकर पे फोन रख देना और एक बार उससे ऐसे बोलो कि तू बोल रहा था ना शादी करनी है, रिलेशनशिप में आना, तो मैं उसके लिए एग्री हूँ। ठीक है, मैं एग्री हूँ, तो एक बार लोकेशन पे आ जाए, बात कर लेते हैं मिलके, तो उसको कैसे भी कन्विंस करो। तो आपने स्पीकर पे फोन रखना, पब्लिक सुन रही है वहाँ। हेलो हेलो अभिषेक, मैं साक्षी बोल रही हूँ, मैं कह रही थी कि मैं ना तैयार हो चुकी हूँ तुम्हारे से रिलेशन में आने के लिए। मैंने मतलब हाँ, मैंने बहुत सोचा कि यार तुम्हारा इतना अच्छा बैकग्राउंड है, इतना नाम है, इतना पैसा है, लाइफ सेट हो जाएगी, तो इसलिए मैं तुम्हारे से रिलेशन में आने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरे से मिल सकते हो आके? कहाँ पर? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर देती हूँ, तुम आ जाओ। ओके ओके, मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो बंदा आने को तैयार हो गया, तो हमें क्या करना है? वेट करना है, और आप लोकेशन, आप एक बार लोकेशन शेयर कर दो, और इसके बाद मैं माइक आपको अपने पास मतलब आपको देकर जा रही हूँ, फ्रेम से आउट हो रही हूँ। उसके बाद जब जैसे आप टेंशन मत लेना, आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। अगर मैंने आपको बोला साथ दूंगी तो 110% दूंगी, तो आ जाना पक्का पक्का, प्रॉमिस, मैं आपके साथ ही हूँ, मैं पीछे ही हूँ, मैं नोटिस कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ कि सामने वाला किस हद तक गिर सकता है। लोकेशन सेंड कर रही हूँ, माइक मैं आपके यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि आपकी जो सारी चीज़ है ना वो कैप्चर हो जाए। ठीक है, तो वेट करो आप, और यही हूँ, टेंशन मत लेना। ठीक है, ठीक। फाइनली बुला लिया मेरे पे यहाँ पे। हाँ, मेरे को तुमसे बात करनी थी कुछ। क्या बात करनी है? यही कि यार मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आ सकती। क्यों? यार तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड है। यार तेरे बॉयफ्रेंड का क्या मतलब? मैं नहीं बन सकता बॉयफ्रेंड? नहीं यार, ऐसा क्यों? मैं उसके साथ सीरियस हूँ, मेरी शादी होने वाली है। होने में दिक्कत क्या है? तुझे पता है अच्छा खासा पैसा है मेरे पे, कोई दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। तो यार सब कुछ पैसा नहीं होता ना, तो प्यार, प्यार तो मुझसे भी कर सकती है ना? नहीं कर सकती ना यार, प्यार मैं उससे करती हूँ, तो मैं तुमसे कैसे कर सकती हूँ प्यार? ऐसा कैसा प्यार है जो मुझसे नहीं कर पाएगी, उससे ही हो पाएगा सिर्फ? यार मैं उससे प्यार करती हूँ तो फिर अब करती हूँ। ये क्या यार, कोई बात होती है? तूने अच्छा खासा मेरे को यहाँ बुलाया, मेरे को लगा कि बहुत। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए यहाँ पे बुलाया क्योंकि मेरे को तुम्हें बताना है कि मैं। ये फालतू की बातें बताने के लिए बुलाया तूने मेरे को? ये फालतू की बातें नहीं है यार, ये मेरी जिंदगी का सवाल है और तुम मेरे को ऐसे परेशान कर रहे हो। मैं परेशान कर रहा हूँ तेरे को? और क्या, कितना प्यार करता हूँ तुझे पता है? यार ये प्यार व्यार कुछ नहीं है। तो क्या है? ये प्यार नहीं है, ये कोई नौटंकी ना? नौटंकी है। काहे की नौटंकी है? तो यार ये प्यार थोड़ी ना है। अगर तुम मेरे से प्यार करते हो, तुम समझो ना मेरी बात को कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये समझू मैं? मतलब तू किसी और के बिस्तर पे जाएगी, मैं समझू ये वाली बात? हाँ, तो यार तुम्हें समझना पड़ेगा। वाह भाई वाह, मैं अपना प्यार देखूं कहीं और जाते हुए? तू पागल है यार, ये प्यार नहीं है। तो क्या है प्यार? ये सिर्फ हवस है और कुछ नहीं है। ये कोई हवस नहीं है, ये बहुत
तू नहीं समझेगी यार, बहुत प्यार करता हूँ तुझसे मैं। यार तेरे को समझ में नहीं आता यार, मैं किसी और से बात करती हूँ। समझ में नहीं यार, तू पागल है यार। तेरे को अब मैं पागल लगूँ या कुछ भी लगूँ, प्लीज बस मेरे को छोड़। क्या करता है तेरा बॉयफ्रेंड ये बता मेरे को। यार मैं कुछ भी करता हूँ लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे से बहुत प्यार करता है। कितना कमाता होगा? 10,000 रुपए महीना कमाता होगा ना वो। यार वो इतना कमा लेता है कि बस मेरा पेट भर दे, मेरे को उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बात मान यार, पैसा सब कुछ नहीं होता यार, ये बात तुम भी तो समझो। तो क्या होता है ये बता ना यार। बस तुम मेरी बात सुन दो कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आ सकती, तुम मेरे को परेशान मत किया। मैं तेरे को छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? छोड़ना पड़ेगा यार, जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आ सकती। तो मैं देख लूंगा। क्या मतलब क्या देख लोगे यार? मेरा अच्छा खासा पॉलिटिशियन के साथ उठना बैठना है यार, इसी चीज की तो तुम हमेशा धमकी देते हो। तो यही तो रुतबा है मेरा यार, और क्या है यार। ऐसी किसी की जिंदगी के साथ खेलना ही अच्छी बात थोड़ी ना होती है। तेरी जिंदगी के साथ खेल रहा मैं यार। यार खेल ही तो रहे हो। जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे रिलेशन में नहीं आ सकती, फिर भी तुम मेरे को परेशान कर रहे हो। मैं परेशान नहीं करता, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यार वो कर रहा है कुत्ता। यार ये नहीं, वो मेरे से प्यार करते हैं, तुम मेरे को परेशान करो। तुम एनी टाइम यार मेरे को कॉल करते रहते हो। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ मैं तुम्हारे रिलेशन में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती ये बताना मेरे को। यार मेरी उससे शादी होने वाली है। उसकी शादी मैं देख लूंगा। शादी करेगा वो तुझसे? हाथ पे दौड़वा दूंगा। शादी लायक नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। शादी नहीं होने दूंगा मैं। यार क्यों तुम जिंदगी खराब करना चाहते हो मेरी? जिंदगी यार तेरी जिंदगी ये बता मैं क्या दिक्कत है तेरी जिंदगी में? यार दिक्कत ही यार, मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम मेरी जिंदगी में बिना बात के आ रहे हो। क्यों आ रहा हूँ यार? क्यों ये बता। यार तुम दूर हो जाओ पहले। क्यों दूर हो जाऊँ? यार तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम दूर हो जाओ हमारी लाइफ से, चले जाओ यार। यार हमारी लाइफ से चले जाओ। नहीं जाऊंगा मैं। क्यों नहीं जाओगे? भगा दूंगा यार। क्यों भगाओगे उसको? तुम हमारे बीच में आए, वो हमारे करता हूँ और वो मेरे बीच में आया। यार मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती ना, मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना। वन साइड लव है मेरा। तो यार कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर वन साइड लव में। लेकिन यार प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए ना, एक तरफा प्यार नहीं चलता। मेरा चलता है यार। ऐसे कैसे चलता है? तेरा भी चल जाएगा। नहीं चलेगा यार, नहीं चलेगा। चलेगा, सब चलेगा यार। मेरी से शादी होने वाली है तो मैं समझ में क्यों नहीं। शादी नहीं होने दूंगा ना मैं। क्यों नहीं होने दोगे यार? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे यार कल परसों मरेगा फिर क्या प्यार रह जाएगा तेरा? यार क्यों बोल रहे हो ऐसा तुम? क्यों मरेगा वो? क्यों गंदा पड़ेगा फिर? यार तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, बस तुम हमारी लाइफ से चले जाओ। यार क्यों करोगे? करवाएगी मुझसे ये? यार मैं क्यों करवाऊंगी? तू ही तो करवा रही है, नहीं तो हाँ कर, शादी कर ले मुझसे। यार मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती यार, तुम मेरी बात को तो समझो। नहीं समझना मेरे को तेरी बात। समझना होता तो यहाँ नहीं आता मैं। यार मैंने तुम्हें समझाने के लिए बुलाया, प्लीज समझो मेरी बात को। मैं नहीं समझ। क्यों नहीं समझ सकते? समझो ना। तुझसे अगर प्यार नहीं करता तो मैं समझ जाऊंगा। तो यार एक नजर में प्यार हो गया तो ये पता है। यार ऐसे कैसे प्यार हो सकता है एक नजर में? यार ये सारी बातें हम सिर्फ बोलने की बातें करने के लिए इस पार्क में बुलाया। यार मैंने तुम्हें समझाने के लिए बुलाया, फालतू की बातें नहीं है ये। फालतू बातें हैं मेरी नजर में? नहीं ये फालतू की बातें नहीं है। भाई किसके हाथ पर चढ़वा देगा? आप कौन? बहन है मेरी। किसको बुलाया तुमने? बहन है मेरी, दीदी है मेरी। छोटी कर लूंगी मैं बहुत कुछ। क्या कर सकती मैडम आप? जब उसने क्लियरली बोल दिया वो से बात ना ही उसने तुझे कुछ ऐसा किया, ना ही तुझसे उससे प्यार है, ना ही ऐसा दिखाया वो तुझे लाइक करते हो, तू धक्के से क्यों भसड़ में घुस रहा है? अरे आ रहे हो, अरे आप खुद रहे हो, मैटर नहीं है। गाली गलौज मत कर, आवाज धीमी रख पहले तो। गाय के लिए पहले तू होगा गुंडा अपने गली का। अरे गली गुंडा शेर होगा तू? नहीं है अपने घर का शेर। इस जैसे चुप बैठी रहूंगी। तुम समझ जाओ यार, वो मेरी हो। तू जाना यहाँ से? देख मैं प्यार से अभी समझाना चाहती हूँ, वो उससे प्यार करते हैं घर पे। देख तुम दोनों को मैं प्यार से समझा रहा हूँ, मेरा दिमाग मत। तू समझ प्यार कर दिया है, वो अपने बच्चन से बहुत प्यार करती है। चल बहुत प्यार करती है का यार। गाली गलौज कर माफी मांग। तू मत मेरी घड़े। अरे जा तू, नहीं समझ चली जाएगी यहाँ से जिंदगी। कोई नहीं सुनता तेरी बात। साइको है क्या यार? तुम क्यों नहीं समझ रहे यार? तू समझ नहीं रही इससे प्यार करता हूँ मैं? तू पागल है क्या? नहीं यार प्यार में क्या क्या पागल है? जब तेरे को बोल दिया अगली तरह से अगली मत बोल, मुझसे मत बोल, जा काम कर अपना, निकल चल यहाँ से। तो तू नहीं आ रहा तो आप भी जाओ यार, मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हो? वोट हुआ के कहीं डलवा दूंगा दरिया के अंदर। कौन सी दरिया के अंदर डलवाएगा? किसी भी दरिया के अंदर डलवाऊं तो ये क्या करना? बाप क्या करता? बाप छोड़, तू मुझसे पूछ मैं क्या करता हूँ। तेरा बाप क्या करता है ये बता? तेरे बाप से तो वजूद होगा तेरा। तेरे बाप ने तो पैदा किया है, तेरे बाप ने तो पैदा किया है, बता दे। तेरे माँ बाप ने संस्कार दिया तेरे को? संस्कार सही में बिल्कुल तमीज ही नहीं है यार उसको। समझे चल उसको, तू हाथ लगा रहा है, मैं कब से देख रही हूँ, मैं नोटिस कर रही हूँ। मैं तेरे को
तेरे मुंह पे थप्पड़ मारने वाली हूँ। हाथ तो लगा के दिखा तू मेरे को। हाथ में लगाऊंगी तेरे मुंह पे, हाथ तो लगा के दिखा, थप्पड़ मारूंगी। और जितनी ये पावर अपनी पावर, यार तुम क्यों नहीं समझ रहे हो यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या बात? किसको ले आई एक तो यार, मेरी बहन ने तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? चुप चल, वो नहीं कर रही तो शादी तू क्या करेगा इतना बता, नहीं कर, उठा के ले जाऊंगा। ऐसे ले जाएगा यार, क्यों उठा के ले जाएगा? तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या बात? तू कहाँ का डोना है? तुझे क्या कहाँ का डोना है बता दे मेरे को, बता दे बता कहाँ रहता है तू? दिल्ली में? दिल्ली में कहाँ से है? अरे तुझे पता क्या, दिल्ली में कहाँ से है? वही पूछ रही हूँ तुझसे, कहाँ से है? अरे पूरी दिल्ली का डोन हूँ, क्या कर लेगी तू बता? पूरी दिल्ली का, पूरी दिल्ली पे ना तेरी पावर चलती होगी। हम अरे बड़े बड़े पॉलिटिशियन के लेकिन हम पे नहीं चलती। अल्लाह नहीं, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे करके बोलो यार, प्यार से बात कर रही है ना तुमसे। हाथ नीचे करो, ओए अपनी पावर का नजायज फायदा उठाएगा, दूर रह, दूर रह, तू दूर रह, दूर रह, बैठ बात करना। अरे बैठ, बैठ बात कर, अरे बैठ नहीं, बैठ ना फिर, मैं नहीं बैठ रहा, बैठ यार तू, बात करना यार, थोड़ा आराम से ही बात कर लो यार। क्या सुन, जब तेरे को लड़की ने बोल दिया, जब तेरे को लड़की ने बोल दिया कि वो तुझसे प्यार नहीं करती, ना ही उसको तेरी तरफ कोई अट्रैक्शन, ना कोई लाइक, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो तेरा दिमाग साइको है क्या? तू दिमाग से पागल है क्या? पैदल है क्या? पैदल है क्या? इसको दिक्कत दे तू अगली बीच में, मेरे को बहुत दिक्कत है, मेरे को बहुत दिक्कत है, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है। तो बुलाया क्या के लिए? तो तूने मेरे को, मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बुलाया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। प्यार से बात करने की कोशिश कर ली, लेकिन तू बहुत बदतमीजी पे उतर रहा है, ठीक है? और मेरी बात सुन, डोन होगा तू अपनी साइड का, पूरी दिल्ली का डोन हो, पूरे मुंबई का डोन हो, घंटा ये ले, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को इस चीज से। पहले शुरू उंगली हटा, उंगली हटा, उंगली हटा, उंगली हटा, उंगली तू हटा, उंगली हटा के बाद तभी तूने किए पहले, ठीक है? तुझसे तो कोई बात नहीं, गलोच कर रहा है तू, गाली गलोच कर रहा है, आगे दिमाग उसको हाथ लगा रहा है लड़की को बिना परमिशन, उसको हाथ लगा रहा है, क्यों ले लगाया दोबारा, क्या कर क्यों लगाएगा दोबारा लगाया यार, क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरी बात सुन, क्या सुना? औकात में यार, क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो हमारी? औकात में, औकात तेरी, औकात तेरी, अरे यार तू लड़की को परेशान करेगा, उसको इरिटेट कर रखा है उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी बहुत दिनों से परेशान कर रखा है यार मेरे को। गाली किसको दे रही है? हाथ, अब तू उसको हाथ लगा ले एक बार, तेरी इतनी हिम्मत है ना, तेरी उसको हाथ लगा ले अभी, और लगा ले तू, क्या कर ले तू हाथ लगा, फिर मैं बताऊंगी मैं क्या करूंगी। लगा लिया तो तू क्या करेगी? अरे तू हाथ तो लगा एक बार, फिर मैं बताऊंगी ना क्या करूंगी। ले लगा ले, ले फिर, हाथ मत चला, दूर हट, दूर हट, मैं चाहता नहीं किसी औरत बात, यार बैठ के बात कर लो प्यार से, मैं हाथ उठाना नहीं चाहता औरत को बिना परमिशन, उसको ऐसे कर रहा, टच कर रहे हैं बिना परमिशन के, लेकिन कैमरा लगा हुआ है सामने, समझा? कैमरा लगा हुआ है, तू कौन कैमरा का ये लेके आई? हूं यूट्यूबर, अब तुम्हारी असलियत सामने आएगी, कैमरा उठा के फेंक दूंगा दोनों को। कर अपने आप इसको बंद करा, नहीं तो यहीं पे मारूंगा दोनों को। मेरी बात सुन, सुनने गया पहले, इसको बंद करा, माफी मांग करती हूँ, डिलीट करती हूँ, मैं नहीं मांगूंगा माफी, इसको बंद करा पहले, चल जा तेरी तो बंद करा ले, चल करा ले तू, जाओ बंद करवा लो अपना, तू बंद करा ले, चल अच्छा चल, इसको बंद करा ले, बंद करा ले, क्यों बंद कराऊं मैं? तमीज से बात कर उससे, बोल सॉरी, बोल उसको, तेरा वन साइडेड लव नहीं आनी चलेगा, और ये वन साइडेड लव भी नहीं है, पागलपंती साइको बनती है, तू उसको कैमरे को पकड़, पैरों पे हाथ लगा, सॉरी बोल उसको, उसकी बिना परमिशन तो उसको ऐसे हाथ लगा रहा है लड़की को, चल हाथ पैर पकड़ उसको, सॉरी बोल, सॉरी करे यार, तुम बस हमारी जिंदगी से चले जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, चले जाऊंगा दूर, प्लीज, जितनी पावर है, जितनी रेपो है, ये वीडियो डलते ही सारी रेपो निकल जाए, एक मिनट में रेपुटेशन पे चोड़ में है ना जो तू अपने घमंड में, और जितना गुंडा बन रहा होगा अपनी डोन का, दिल्ली का, मुंबई का, नहीं है तू एक नॉर्मल इंसान है, तू भगवान का बनाया हुआ एक नॉर्मल इंसान है जैसे हम लोग हैं, कैमरा बंद करा दिया, अब हमारी लाइफ से चले जाओ बस, करा दूं तो एक काम कर, सीधा पहली फुर्सत से निकल चला गए, और हमारी लाइफ में हम दोबारा मत आना, चल निकल, बैठो, फीलिंग बेटर? हाँ।
बहुत ज्यादा लगा मेरे को बहुत तेज। चलो कोई बात नहीं यार, ये सब चलता रहता है, अब रिस्क लेते हैं, मतलब कोई बात नहीं, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन बात यह है कि चीज़ें सॉर्टेड है। और मैं आपको ये वीडियो है ना क्लिप मेल करूंगी, अभी इसने शायद कैमरे के डर से ऐसा बोला है। हाँ। हो सकता है आपको इन फ्यूचर कभी परेशान करे, तो आपके पास ये प्रूफ है। ठीक है, ठीक है। देखो आपकी कितनी भी पावर हो, किसी भी शहर के आप कुछ भी हो, जैसे वो बोल रहा था मैं यहाँ से हूँ, मेरी इतनी पावर है, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। देखो जब तक लड़की अपनी जगह सही है ना, तो दुनिया में कोई भी इंसान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, उसको कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकता, ना ही कोई उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा सकता है। आपने पूरी वीडियो देख लिया, लड़की हर जगह एक्यूरेट, अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसकी शादी होने वाली है, वो लड़का साइको है, वो संकी दिमाग है। ठीक है, उसको वन साइडेड लव नहीं कहा जाता, उसको संकी पंक्ति कहा जाता है जो वो कर रहा था। तो गाइस मतलब ऐसे लड़कों से मैं लड़कियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, अवेयर रहना ऐसे लड़कों से। ठीक है, और ब्लाइंड ट्रस्ट कभी भी किसी पर मत करना। अवल तो इसके इनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैंने इनको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश किया। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि पता चले उस लड़के को भी कि हाँ कि वीडियो सच में डली है, सिर्फ हम बातों से नहीं फेंक रहे थे, कि हम हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लव यू ऑल, और इनको भी सपोर्ट करो, और थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प करी। ध्यान रखो अपना। ठीक है, चलो मैं ड्रॉप करती थी आपको।